स्टार्ट संखेप रचना का भाग तो आप मन के चलते हाँ कि संखेप रचना तो सारू पहला तो ही आती है, बिल्कुल आती है। तुसी दो ढाई घंटे की फिल्म देख के आने हो तो अपने नाल वाले साथी 15 मिनट में उसकी स्टोरी सुना दो, यह संखेप रचना। तुसी किसी मेले दे जाके आने हो, किते यात्रा ते जाके आने हो, किते घूम फिर के आने हो, तुसी 5-6-7 दिन भी ला के आने हो, पर साथी नू हाल जेड़ा है वो बहुत थोड़े समय सुना दूंगा। तुसी टीवी पर कोई सीरियल देखिया उसनू बहुत शॉर्टकट करके नाल वाले नू सुनाने हो, तो संखेप रचना ऑलरेडी तुहानू आउंदी, बस थोड़ा जिहा ध्यान देने की लोड़ है कि संखेप रचना करते समय असी किन्ना गल्लां नू ध्यान दे विच रखण। मेन गल्लां इंपॉर्टेंट गल्लां नू असी छोटे पैरे दे विच लिखना है, फालतू दियां गल्लां असी छड़ देनी है। जिन्नियां भी उदाहरणां दित्तियां होणगियां असी वो छड़ देंगे। जे मान लो कोई वाक पैरे की दूजी लाइन पर आ रहा है तो फिर उही वाक छेवीं लाइन च भी आ रहा है तो असी उन्हां दोनों का एक वाक बना के लिख देना। तो हुण असी एक पैरा है कोशिश करांगे उसकी संखेप रचना बनाउण दी। और ये भी बेटा जरूरी नहीं कि तुसी जो पैरा बनाया है, ठीक है, वो दूसरे विद्यार्थी ने जो पैरा बनाया है वो सेम होवे, ये कोई शर्त नहीं है। तुसी अपनी भाषा दे विच पैरे नू समझ के लिखना है कि की इंपॉर्टेंट है विच। जिहड़ा सब तो पहली असी गल ध्यान विच रखनी है वो ये है कि जिहड़ा पैरा है सानू पेपर दे विच आएगा तुसी उस दा 1/3 करके लिखना है, तीजा हिस्सा करना है। जे मान लो 200 शब्दों का पैरा है तो तुसी उस दा तीसरा हिस्सा करो, 100 शब्दों का पैरा है तुसी 33 शब्द कर दो, 300 शब्दों का पैरा है तुसी 100 शब्द कर दो, यानी कि उहदे नेड़े तेड़े 2-3 शब्द वध घट सकदे हो, कोई खास गल नहीं है। हुण आपां सैकेंड पैरा जो पेज नंबर 127 ते है वो पैरा करांगे। अज आपां पैरा करांगे पैरा नंबर 2 पेज नंबर 127 दे उपर। इस विच शक नहीं कि नशीले पदार्थां दा इस्तेमाल दुनिया भर विच इंसानी सेहत अते समाज लई एक गंभीर चुनौती दा रूप धारण कर चुका है। अजोकी तेज़ रफ्तार जिंदगी इंसान कोलों हर खेतर विच तेज़ रफ्तार दी मांग करती है, जिस करके सहज जीवन जीउण लई भी इंसान नू संघर्ष दी हालत विच रहना पैंदा है। तो इत्थों तक आपां पढ़े है कि नशीले पदार्थों का इस्तेमाल साडे लई चुनौती है, या तेज़ रफ्तार जिहड़ी जिंदगी है वह तेज़ रफ्तार की मांग करती है तो इंसान नू इस हालत विच औख महसूस हुंदी है। हर खेतर विच मुकाबलेबाजी ते ज़्यादा तो ज़्यादा पूंजी ते पदार्थक सुख जमा करन दी दौड़ ने जिंदगी नू मशीनी पद्धर ते लै आंदा। मानसिक अते आत्मक पद्धर उत्ते इंसान भौतिक वातावरण नाल तालमेल रखन विच नाकामयाब हो रहा है। तो फिर देखांगे बेटा, इत्थों तक आपां पढ़िया है कि नशीले पदार्थों की वरतों जिहड़ी है वह दुनिया भर च चुनौती है, जिहड़ा अज दा समय वह इंसान तो तेज़ रफ्तारी की मांग करता है क्योंकि मुकाबलेबाजी ज़्यादा है तो पूंजी वगैरह असी ज़्यादा जमा करना चाहते हैं, जिदे करके की हो रहा है साडा जिहड़ा मानसिक ते आत्मक पद्धर है वह जिहड़ा आले दुआले का वातावरण है उहदे नाल मेल नहीं खा रहा, भाव सहज जिहड़ा है मनुखी जिंदगी दे विच नहीं रहा। आम आदमी का ज़्यादा समा जिंदगी दियां मुढ़लियां लोड़ां पूरियां करन विच ही लग जांदा है, जिस करके उस दियां समाजिक मानसिक आत्मक लोड़ां अधूरियां रह जांदियां हन। बेटा देखो, मुढ़लियां लोड़ां हुण असी वधाईयां होईयां ने, इहदे करके ही असी तेज़ रफ्तारी जिंदगी जिउ रहे हां। जदों असी एक पासे वल पै गए तां जिहड़ियां आ तिन्ने चीज़ां हैं साडियां, समाजिक लोकां नाल मिलना जुलना, मानसिक साढ़े दिमाग नू हेल्दी रखने वास्ते जो भी असी एक्सरसाइज करते हाँ या कोई पाठ पूजा करते हाँ, इस तरह आत्मक मन खुश होना चाहिए साढ़ा कि असी जो भी कमा रहे हैं जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इस नाल जिंदगी विच एक खला पैदा हो जाता है तो कई तरह दी मानसिक उलझना पैदा होंदियां हन।
नशा प्रवृत्ति भी इसे खला नूं पूरियां करन दे यतन वजों शुरू हुंदी है। तां हुण साडा मूल मुद्दा इत्थे आ गया नशा प्रवृत्ति, जिहनूं असीं इत्थे कहा सी कि यह दुनिया भर लई चुनौती है। क्यों चुनौती है? क्योंकि इंसान सहज जीवन जीवन हट गया, इसलिए क्योंकि उस दियां ज़्यादा टाइम जिहड़ा है वह मुढ़लियां लोड़ां पैदा करन लई उह मशीनी जिंदगी जिहड़ा उह जिउ रिहा है, पैसा वध तों वध इकट्ठा करना चाहुंदा है, जिहदे करके मानसिक ते आत्मक लोड़ां समाजिक लोड़ां उस दियां अधूरियां रह जांदियां, जिहदे नाल खला पैदा हो गया, जिसका सहारा मनुख ने नशे चो लभ लिया। आवाजाई ते संचार दे साधना वगैरह दी बदौलत बेशक बाहरी फासले घटे हन, पर समाजिक मानसिक ते आत्मक तौर ते इंसान ते इंसान विचली दूरी वधी है। भीड़ वधन दे बावजूद हर इंसान इकला है, नतीजे वजो अपने दुख भी कल्ले नूं झलने पैंदे आ उसनूं। इंसान नूं जद इंसान दा सहारा नहीं रिहा तां उसने मनसूई सहारे तलाशने शुरू कर दित्ते, जिन्हां विच नशे भी है। तां बेटा सारे पैरे दे विच आपां जो पढ़े है तां इहदा किहदे बारे गल होई है? नशे बारे। तां अपना हैडिंग इसका की मनूंगा, नशा प्रवृत्ति भी बन सकता है, नशियां दी वध रही वरतों भी बन सकता है, नशे एक चुनौती वजो भी बन सकता है। पर ध्यान रखना है कि हैडिंग थोड़ा जिहड़ा है वह 3-4 शब्दों तो वधदा ना हो। तो सारे पैरे दे विच आपां देखिए कि नशे नूं सहारे वजो लिया मनुख ने। क्यों सहारे वजो लिया? क्योंकि तेज़ रफ्तार जिंदगी च उहदी जिंदगी मशीनी बन गई, सिर्फ वह मुढ़लियां लोड़ां पैसे इकट्ठे करदा, ज़्यादा पूंजी इकट्ठी करदा, सुख जमा करदा रह गया, मानसिक ते आत्मक लोड़ां उस दियां पूरियां नहीं हुईयां, जिहदे नाल जिंदगी च इक खालीपन आ गया ते इस खालीपन नूं उसने नशे नाल भर लिया। असीं कहने हैं कि असीं तरक्की कीती है, पर तरक्की करन दे बावजूद एक इंसान ते दूजे इंसान विचली दूरी जिहड़ी है उह वधी है, इंसान नालों इंसान दूर होया, जिहदे करके इकल्ले बंदे नूं आपदे दुख जिहड़े उह झलने पै रहे है। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ਿਆ। ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਨਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨੇ? ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 1/3 ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਓ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सपोज़ अपने को 11 शब्द आ गए, गुणा लाइना किनिया हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 जिन्हों पर मान लिए तो 20, तो साढ़े कुल शब्द 220 आ गए। 220 नूं असी 3 ते भाग करांगे, 7 या 21, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਵੱਜਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 73 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 70 ਤੋਂ 76 ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ 100-150 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰਾ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ 1/3 ਉਹ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਜਿਵੇਂ 3-4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਰਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਉਹ ਪੈਰਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 marks ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮਾਰਕਸ, ਇਹ ਮਾਰਕਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੇਟਾ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕੋ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 127 ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਇਸਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਉ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ,
मूल पैरे तो एक तिहाई पैरा असी करना। तीसरा है कि तीजे पुरख दे विच लिखने। चौथा है कि जे कोई उदाहरण दिती हुई है तो असी उदाहरण जिहड़ी है वह पैरे दे विच रिपीट नहीं करनी। नैक्सट है बहुते शब्दों की थां जे असी एक शब्द वरत सकते हाँ तो उसकी वरतों करनी। धन्यवाद।